तोवा गॉडलाइक का एलिमिनेशन जरूर बीटीआर के हाथों देखने को मिला, लेकिन अभी 8 टीमें बची हैं फाइट्स के लिए। बिल्कुल, सक्सी को यहाँ पे एक जो आखिरी प्लेयर था वहां पे नोवा गॉडलाइक का प्लेयर, उनको निकाल के जाते हुए उस उजी के द्वारा, बट यहाँ पे 8वां जोन है, 8 टीमें जिंदा है, 22 प्लेयर्स आर अलाइव, एक हील बैटल देखने को मिल सकता है। बट अभी भी अगर आप बात करें मेगा स्टार्स अभी भी जिंदा, स्टार्टिंग में जो मेगा इनकोर हंट डाउन हुए थे वो अभी भी टीम्स जीवित हैं, वो लोग पॉडवोस्ट वाले ब्रिज से क्रॉस करके आए हैं, वो लोग आराम से बैठे हुए पोजीशंस निकाल रहे, कोई हड़बड़ी नहीं देखने को मिल रही। आप देख सकते हो स्क्रीन में तीनों प्लेयर जिंदा है, सिर्फ एक लॉस था, वो अभी भी उस तरीके को देखते हुए कैपिटलाइज कैसे करते हैं। अभी यहाँ पे कोडाटा जरूर कमाओ को नॉक एंड फिनिश कर दिया है बेरिल के द्वारा, अब वैल्डस के प्लेयर दिक्कत में आ सकते हैं जरूर, बट यहाँ पे वो चक्शन को भी यहाँ पे नॉकडाउन कर बैठे। अब ये कंपाउंड के बाहर जाके वाली पैटल के फ्री नेट जरूर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे नेट की बात बाद में आती है, बट वैल्डस के प्लेयर बाहर आके पूरा स्क्वाड वाइप कर दे, उसके चलते यू लेवल के प्लेयर्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे। बट सेल्स के ऊपर एक कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है नो चांस के प्लेयर्स के द्वारा, सिर्फ ऑफडल्स बचे हुए, बट वो रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सेम गोज विद टीम सेल्स ऑल्सो, यहाँ पर रिवाइवल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आपका एक पे हील बैटल के लिए जाता है तो दूसरा उसको गार्ड करने के लिए भी होना चाहिए, बट ऑफडल्स को ये चीज जरूर पता है, बट यहाँ पे अब नोवा जोन बनेगा एंड उसके बाद हमारा हील बैटल जोन, हु वॉन्ट्स टू सी दैट हील बैटल। एक चीज यहाँ पे जरूर सबके जहन में होगी कि फोर स्टेट जहाँ पे जितने निकाल सकते हो अपने ओपोनेंट के क्रेट से तो अपने टीममेट के क्रेट से वो निकाल, बट यहाँ पे इसका पॉइंट की फाइट है, अब आपको किल फीड चलते हुए नजर आएगी। 6 टीम्स बची है, 16 लोग जीवित, पीटीआर के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो चुके, मेगा वैक्सीन वहां पर यूडू के प्री डॉल के लिए मुश्किलें कर दी है, आम जोन सर्कल के बाहर अभी से ऑलरेडी बैठ चुके, सर्कल का एरिया अगर आप देखें बीटीआर जक्सी वहां पर फिनिश हो चुके, माइक्रो बॉय अभी से हील बैटल कर रहे हैं, वो सर्कल के बहुत ज्यादा बाहर है, चौकनेट डाउन हो चुके, ऑफ डेल्स भी हील बैटल कर रहे हैं, 9 फर्स्ट स्टेट इनके पास है, 10वीं फर्स्ट स्टेट भी वहां पर बाहर पड़ी हुई है, सारी टीम्स ऑलरेडी तैयार हो चुकी है अपने आपको या फिर अपने प्ले जोन को अपना किल देंगे, किसी प्लेयर को किल नहीं देना चाहते। अल्ट्रॉन वहां पर प्ले जोन से डाउन हो चुके, आम जोन वहां पर प्ले जोन से डाउन हो चुके, प्ले जोन इज द एमवीपी राइट नाउ इन दिस फाइट, यूडू गैंग 6 किल्स ये निकाल चुके, 3 नॉकडाउन के थे, 895 का डैमेज डील है, माइक्रो बॉय सर्कल के बाहर फाइट निकाल रहे हैं, लेकिन अब बीटीआर के लिए मुश्किल हो चुके, बिकॉज मेगाट्रॉन का एलिमिनेशन यहां पर दिखेगा, 4 टीमें बचती हैं, 9 लोग जीवित, मेगा वैक्सी बहुत प्यारी पोजीशन में, बिकॉज इनके पास पीछे का कवर और सिर्फ आगे की फाइट लेनी है, मेगा स्टार्स यहां पर अपना परचम लहराना चाहेगी अलॉन्ग विद सेल्स, यूडू भी तैयार है, लेकिन साइड बाय साइड नो चांस के भी एक प्लेयर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, यहां पे सिर्फ 15 सेकंड बचे, उस हील बैटल वाले जोन का ना मजा आने वाला है, बिकॉज मेगा स्टार्स के प्लेयर्स दो नीचे है, विक्सी ऊपर उस वाले शेड का कवर लेके बैठे, बिकॉज पीछे एक शील्ड है, जो जोन है कोई प्लेयर पीछे नहीं हो सकता, आप आगे हो सकते हैं, जोन के यहाँ पे अंदर जो मेगा स्वैग बैठे हुए हैं वो अभी रैंडम नेट के साथ थोड़ा सा डैमेज जरूर दे बैठे हैं यहाँ पे फ्रीडॉल को, अब वो स्मोक एक जो बनाया वहां पे पाथिंग मैंने बहुत खूबसूरत पाथिंग, अब देखते हैं मेगा स्टार्स के प्लेयर किस तरीके निकाल पाएंगे, बिकॉज हील बैटल आ चुका है, यहाँ पे सारे प्लेयर्स ओपन मैंने को, यूडू का प्लेयर ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, 1 एचपी जंपर 1 एचपी, बट यहाँ पे आतंकी नॉकडाउन करेंगे मेगा स्वैग को, अब देखते हैं विक्सी की जो पोजीशन को कैसे कैपिटलाइज करेंगे, बड़ा वो भी नॉकडाउन हो चुके, फ्रीडॉल वहां पे पूरा फिनिश कर बैठे हैं आतंकी, अब यहाँ पे हील बैटल के लिए नहीं जा रहे, सेल्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा हम लोग को, नो चांस एलिमिनेट हो चुकी है, बट मेगा पैराडॉक्स इज स्टिल अलाइव, बट यूडू में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो हील बैटल कर रहा है, बिकॉज सारे प्लेयर्स की यहाँ पे हीलिंग कम है, बट ये वाले लेकिन ओआर के गिल वहां पर आते हैं फाइट के लिए, ओआर के गिल भी अलग एरिया पर अपनी फाइट ले रहे हैं, ऑरेंज रॉक के 3 प्लस जो बचे, तीनों प्लस अभी भी जिंदा है, अभी भी फाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्स क्या था कि केओजी कंसेप्ट को पिक ऑफ कर चुके हैं, ऑरेंज रॉक के गिल के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी, बिकॉज उनका ध्यान पूरा का पूरा केओजी के प्लेयर्स की तरफ था, सर्कल में वाइल्डनेस के प्लेयर्स है, सारी टीम को सर्कल के अंदर जाना है, बिकॉज ब्रोकन एरोप्लेन जैसे कि बोला गया था वही एरिया यहां पर फाइट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, गॉडलेस फिर से उनको डैमेज हुआ, ब्रेक को स्पॉट किया, ड्रॉप शॉट पहला प्लेयर पिक ऑफ किया, सेकंड प्लेयर भी वापस स्पॉट किया था, लेकिन पेमेंट लेकर जाते हैं लोकी, एक्चुअली वो प्लेयर थे जो बैक एंड पर सपोर्ट अच्छा दे रहे थे। यस आप बिल्कुल, और मरते मरते जरूर एक प्लेयर को फिनिश ऑफ भी कर दिया उन्होंने, और आतंक यहाँ पे गाड़ी फोड़ते हुए कवर बना रहे, बट इसी के साथ बीटीआर के प्लेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से पुश कर रहे हैं माइक्रो बॉय को, सटीक का पोजीशन पता है आतंकी का, भी देखना पड़ेगा दो तरफ से यहाँ पे पुश देखने को मिल सकता है, बट माइक्रो बॉय फर्स्ट प्लेयर टू कम इन, एंड इसी के साथ गैलेक्सी रेसेस की स्क्वाड भी एलिमिनेट हो चुकी है, जरूर हम लोग वहां पे अगर प्री फायर थोड़ा सा देखने को मिल जाता तो शायद अंजाम कुछ अलग हो सकता था, के हाथ पे ग्रेनेड तो ग्रेनेड थ्रो कर दिया था उससे वहां पर माइक्रो यू नो डाउन हो जाए, वो चीज हमें देखने को, यहाँ पर 4 टीमें बचती है, मीनवाइल लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स ऑरेंज रॉक कमबैक करना चाहती है, अगर हम बात करें वाइल्डनेस के प्लेयर्स, लेकिन बॉक्स के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाएगी, लुइस अगर डाउन होते हैं बॉक्स वहां पर एलिमिनेट होते हैं, 3 टीमें ऑरेंज रॉक उसके अंदर है, वाइल्डनेस उसके अंदर है, बीटीआर की स्क्वाड है, क्या यहाँ पर ऑरेंज रॉक अपना चिकन डिनर निकाल पाएगी, आज के दिन का पहला गेम थोड़ा सा खराब था लेकिन क्या ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है, 9 किल्स है इस टीम के पास, सर्कल का एरिया हल्का सा फेवर करता है लेकिन सर्कल मोस्टली वाइल्डनेस को फेवर करता है, सर्कल के अंदर आना है टीम को तो उनको आम जोन जिन्होंने अभी बीटीआर के प्लेयर्स को डाउन किया उनसे फाइट लेनी पड़ेगी, वाइल्डनेस एक तरीके से सैंडविच सिचुएशन में फंस चुकी है। यस अब बिल्कुल सैंडविच तो हो चुके हैं, बट देखना पड़ेगा, आम जोन ने काफी अच्छा डैमेज दे रखा था और लक्सी को भी फिनिश ऑफ कर देंगे तो बीटीआर के लिए भी मुसीबतें बढ़ चुकी है, ऑरेंज रॉक के पास एक अच्छा मौका है यहां पे सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि बीटीआर के काफी सारे प्लेयर्स उनके ऊपर भी शॉट लेते होंगे,
और यहाँ पे एक नॉक देखने को मिलता हुआ, मार्टिन ने यहाँ पे माइक्रो बॉय को नॉक कर दिया, बट गेल यहाँ पे आर्मस्ट्रांग को नॉक करते हुए, तो इसी चीज की मैं पुष्टि कर रहा था। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स इस सिचुएशन का जरूर फायदा उठा सकते हैं, बट मार्टिन का यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन नॉक आता हुआ, मवी भी नॉक हो चुके, बहुत जल्दी यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्कल के अंदर जरूर है, बट देखना पड़ेगा कि बीटीआर के प्लेयर्स का कैसा रिस्पॉन्स रहता है। मार्टिन 1 HP बचे थे वहां पर, ऑरेंज रॉक के मवी ने काफी बेहतरीन फाइट ली, जक्सी वहां पर बचे, उनको रिवाइवल देना पड़ेगा। रिवाइवल आगे सोच चुका है बिकॉज जक्सी सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, माइक्रोवेव के साथ धीरे धीरे मूव वो करना चाहेंगे, लेकिन मार्टिन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल एयर ड्रॉप के पास आ चुके हैं। एयर ड्रॉप से कौन सी गन उठाना चाहेंगे? आई गेस दैट वाज M24 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस तरीके से उन्होंने पिकअप करी है। नॉक किल्स यहाँ पर ऑरेंज रॉक के पास है, दिस फाइट इज इंपॉर्टेंट। आर्मस्ट्रांग वहां पर पिकअप हो चुके हैं। दिस इज नॉट जस्ट अ गेम राइट नाउ, दिस इज एन ऑब्सेशन टू विन फॉर ऑल दीस टीम्स। और इसी के साथ शुरुआत होती है बीटीआर जक्सी वाइल्डर्स के, JCZ को पिकअप कर चुके हैं, ऑरेंज रॉक को मूवमेंट करना है, ये ऑब्सेशन यहाँ पर चाहिए। वीरू ने आगे एक स्मोक किया है, किल माइक्रोबॉय को पिकअप कर चुका है, ऑरेंज रॉक के किल फाइट के अंदर मार्टिन के पास M249 रहेगी राइट नाउ, इट इज 62 बुलेट, बट क्या ये इनफ रहेगी? जंप शॉट यहाँ पर आता है, लेकिन मवी को गॉडार्ड का ग्रेनेड लेकर जाता हूं, वीरू को भी ग्रेनेड लेकर जाता हूं, किल अब अकेले बचे पीछे फाइट के लिए। वाइल्डर्स के प्लेयर्स गॉडार्ड वहां पर वीरू को पिकअप कर चुके हैं, किल का एक सही ग्रेनेड एक सही किल निकाल सकता है, मवी भी वहां पर है, बट ग्रेनेड थोड़ा सा ओवरशूट किया, नो डाउट एक प्लेयर डाउन थे, बट मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी इस फाइट के साथ। Yes, और मार्टिन यहाँ पे जरूर फायदा उठाना चाहेंगे M249 का। इसी के साथ गिल का पुश आता हुआ, यहाँ पे फाइट जरूर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिवाइव करने का कोई भी टाइम नहीं है। गिल यहाँ पे ऊपर जाते हुए, बट बीटीआर के प्लेयर्स भी पीछे से यहाँ पे कवर फायर बहुत शानदार रहा दे रहे। वाल्डिस के गॉडार्ड के साथ एक अच्छा खासा फाइट देखने को मिल सकता था, बट JCZ विल बी द वन पिकिंग ऑफ द लास्ट प्लेयर ऑफ ऑरेंज रॉक। और इसी के साथ ऑरेंज रॉक हो चुकी है एलिमिनेट, मार्टिन यहाँ पे कोशिश करेंगे बीटीआर के जक्सी को पिक ऑफ करने का, और ये एक शानदार मौका है चिकन डिनर लेने का, बट जक्सी का बहुत ही बेहतरीन नॉक आता हुआ, दो प्लेयर्स को यहाँ पे नॉकआउट कर चुके जक्सी का, और 1v1 फाइट चलता हुआ गॉडर्ड के साथ। क्या वाल्डर्स ईस्पोर्ट्स कंप्लीट कर पाएगी, क्या लास्ट किल निकाल पाएगी? यहाँ पे स्प्रे बरकरार रखते हुए गाड़ी भी फोड़ चुकी है, बट अभी भी जक्सी जिंदा है। गॉडर्ड काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, बट जक्सी और गॉडर्ड ऑलमोस्ट सेम HP पे, प्रोन इन कर चुके, स्मोक डालने की कोशिश करेंगे, हील अप करने की कोशिश करें, बट डैमेज यहाँ पे जक्सी का पड़ता हुआ बागी के थ्रू से मारते हुए। जक्सी अभी भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ शॉट्स कनेक्ट कर पाए, गॉडर्ड यहाँ पे हील कर दिया, ये चेंजिंग फैक्टर हो सकता है, जक्सी भी वहां पे हील करते हुए। ओशन क्या चल रहा है यहाँ पे? वन वर्सेस वन की फाइट है, बीटीआर जक्सी वर्सेस गॉडर्ड, सेकंड और फर्स्ट पोजीशन, 6 पॉइंट्स की फाइट यहाँ पर रहेगी। वंस अगेन दिस इज नॉट जस्ट अ गेम, एन ऑब्सेशन टू विन, एंड उसी के साथ ये फाइट बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टीम्स निकाल। और अब RR की अथीना भी एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी, बिकॉज वहां पे वो फाइट एक इंटेंस फाइट चल रही थी जहां कोई भी टीम कहीं से भी फाइट ले रही, बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक के गिल ने आखिरी एक प्लेयर निकाला था BR11 को, सो ऑरेंज रॉक वर्सेस BTR हुआ था इतने बड़े क्लस्टर में, और वो एक रिजल्ट लेके आया जहां पे RR की एलिमिनेट हुई जरूर, बट यहाँ पे BTR की टीम फिर जिंदा है। सामने वेल्डर्स के प्लेयर 1 HP जरूर है, बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक स्काउट किया, वापस जक्सी को नॉकआउट कर पाएंगे, बट वापस इस ब्रेक कंटिन्यू करके जक्सी गॉट ऑलमोस्ट नॉक्ड आउट, बट स्काउट को थर्ड पार्टी देखने को मिल रहा है पीछे की साइड से, एंड क्या कवर वहां पे बना पाएंगे कि नहीं, बट नहीं, आंसर इज नो, बिकॉज वेक्सी वहां पे नॉक आउट कर देंगे स्काउट को, एंड माइक्रो बॉय को एक सरप्राइज देखने को मिला बिकॉज वहां पे वेल्डर्स के प्लेयर पीछे थर्ड पार्टी करते हैं, बट वहां पे मार्टिन को आगे एक बुलेट कनेक्ट होती हुई लक्सी की, बट गॉडार्ड बचे हुए, ग्रेनेड पुल हो चुका है, क्या BTR का लक्सी वाला किल निकाल पाएंगे? मोलोटोव भी फॉलोड अप फेंकेंगे जरूर, और ये वाला ग्रेनेड एक्चुअल उनके रॉक के पीछे आके गिरा भी, डैमेज थोड़ा बहुत दिया, बट जक्सी और लक्सी दोनों भाई की जुगलबंदी क्या वाली फाइट निकाल सकते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू गो इनसाइड द जोन ऑल्सो, बिकॉज अगला जोन इनके ऊपर बने ना बने बट सेंटर में जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य रहेगा। Yes, वो जरूर रहेगा। और जॉनाथन ने यहाँ पे मेगास्टार्स के फाइनल प्लेयर को पिक ऑफ कर दिया, और इसी के साथ मेगास्टार्स की स्क्वाड भी हो चुकी है एलिमिनेट। वाल्डर्स दी मर्डर के गॉडार्ड अकेले प्लेयर बचे, ये एक अच्छा मौका है कि जो बदला है बिगेट्रॉन के साथ वो ले सकते हैं, बट बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो दो भाई हैं वो बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं, और बेहतरीन खेलने की अगर बात करें, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे 10 किल्स निकाल चुके, चारों के चारों प्लेयर जीवित, और जक्सी बड़े आसानी से यहाँ पे गॉडर्ड को फिनिश ऑफ करते हुए। वाल्डर्स दी मर्डर भी हो चुकी है एलिमिनेट, बिल्कुल वहां पे जॉनाथन भी पूरे फिनिश हो चुके, उसी के चलते यहाँ पे TSM एंटिटी एलिमिनेट होगी, बट यहाँ पे BTR के दो प्लेयर दोनों भाई यहाँ पे 3 किल निकाल चुके, बट सामने ऊपर से ऑरेंज रॉक के मावी जरूर पीक कर रहे थे, बट यहाँ पे एक ट्रेड निकाला पहले लक्सी का, बट फिर बाद में मावी नॉकडाउन होता है जक्सी के द्वारा, बट एक ट्रेड जो निकाला उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइवल की प्रोसेस बनेगी जरूर, बट यहाँ पे लोकी को भी पूरा फिनिश, उसी के चलते बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड भी एलिमिनेट होगा, 3 टीमें मात्र जिंदा है। अब ऑरेंज रॉक का स्क्वाड चारों प्लेयर जिंदा है, 10 किल उनके पास ऑलरेडी है, क्या ये संतरी चट्टान यहाँ पे इस वीकेंडी में एक चिकन डिनर निकाल पाएगी? बिकॉज यहाँ पे दो भाई और ऊपर चारों यहाँ पे साउथ एशियन टीम से एक इंडियन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए चारों खिलाड़ी वो प्राउड वापस से फील कराना चाहेंगे, बिकॉज ये एक यू कैन से एक चुनौती जरूर है, बिकॉज वहां पर जक्सी ने जो लास्ट वाले मैच में करके देखा था, क्या पता वापस से करके देखा, और एक बार वापस से क्या ऑरेंज रॉक रिवेंज ले सकते हैं? बिकॉज हमको याद है डे 2 में यहाँ पे
ऑरेंज रॉक के सामने जो बीटीआर थी वो उस वाले टाइम पे चिकन निकाल के बट यहाँ पे वीरू एक मॉलोटोव डालने की कोशिश जरूर करेंगे बट वहाँ पे एक डायरेक्शन एक डिफरेंट थी बट यहाँ पे सक्सी वापस से पी करने की कोशिश करें क्या यहाँ पे एक चिकन डिनर ऑरेंज रॉक खोल सकते हैं बिकॉज वीरू एक फ्लैंक के लिए आ चुके उन्हीं के साथ मावी भी मार्चिंग कर रहे हैं इस वाले फाइनल सर्कल बट जोन भी मार्चिंग कर रहा है ऑरेंज रॉक के पास जोन भी है और ऑरेंज रॉक के पास वो कॉन्फिडेंस भी है और एक वो जो ट्रेल बना के बैठे हुए चिकन डिनर की वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की स्काउट क्या यहाँ पे एक नो स्कोप निकाल सकते हैं स्काउट लेफ्ट साइड से पीक जरूर करें बट आप सक्सी को डैमेज पड़ता है क्या वहाँ पे वो नॉकडाउन हो सकता है बट अभी भी वीरू ट्राई करे जीत के रीलोड में गए सक्सी अभी भी खड़े थे वहाँ पे और स्काउट ने वहाँ पे नॉकडाउन करा क्या ये वाला किल कंफर्म हो सकता है या तो फिर लक्सी वो किल अपना प्ले जोन को देंगे बट स्काउट वहाँ पे वाला किल निकालेंगे विद दैट स्टाइल विद दैट K9 शॉट एंड अब ATR यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी TSM के द्वारा सक्सी जा चुके जॉनसन के द्वारा एक और प्लेयर सामने माइक्रोवेव स्पॉट में ही गोस डाउन जॉनसन डस अ 1v2 इंप्रेसिव इंप्रेसिव पीछे एक ही प्लेयर लक्सी बचा है जीरो किल्स बट दिस इज TSM एंटिटी फॉर यू गाइस BTR को वाइप किया बिल्कुल वहां पे तीन किल निकाले अपने नाम और उसके बाद पांच के बाद आठ किल हो चुके हैं उन लोगों के एंड छह टीमें सिर्फ बची हुई है 14 प्लेयर्स बचे हुए हैं अभी यू लेवल अप के प्लेयर्स को गिरा जाएगा उस वाली बाइक से विंटर भी मैनेज भी थे एंड यू लेवल अप का स्क्वाड यहां से वाइप आउट होकर एलिमिनेट हो गए इस वाले मैच से टॉप फोर टीम्स TSM एंटिटी उस वाली साइड से अपना पूरा परचम लहरा रही है और इसी एंगल से दे कैन गेट फ्यू मोर किल्स आल्सो बट यहां पे सामने नो चांस के प्लेयर्स गॉडलेस उनको दिक्कत देते हुए बट ओपन में रुक के प्रोन होकर नियो चाहते वाली जो किल्स है ओपन में अपने लिए कंफर्म कर वहाँ पे ब्रेक जो है वो गॉडलेस का किल निकाल गया तो एक ऊपर से ड्रोन शॉट आप देख सकते हैं कौन सी टीम कहां पे है जॉनथन को नॉकडाउन कर दिया गया जरूर बट वहाँ पे रिवाइव की प्रोसेस इतनी आसान नहीं रहेगी जी गॉड ओपन में अपने आप को हील जरूर कर रहे हैं बट एक आखिरी स्मोक अगर वहां पे वो फेड आउट हो जाता है तो बॉक्स के पास एक बहुत प्यारा विजय रहेगा बट वहां पे बॉक्स गेमिंग के पास 16 किल्स है एंड दे आर giving the godly performance in this Erangel match. 24 minute already ho chuke hain. Saatwa zone close in hota hua banta hua nazar aayega hum logo ko. Lewis ki position yahan pe hum dekhe to alag se player ko bait karwa rahe. Synergy ka Austin Bottex abhi bhi zinda hai apni team ko yahan pe survival points dilwane ke liye. Teen team vyavasthi hamare paas 8 log jeevit. Uske andar box Lewis ke paas M249 hai open area ke andar baithe 16 kills is team ke paas hai. Piche agar baat kare TSM NTD 3 plus unke zinda Synergy unke liye bhi ek comeback game ban sakta hai. Neo aage ja rahe hain apna जो बैकपैक रहता है उसको जरूर यहां पर हटा दिया ताकि सारी की सारी फाइट्स आप इसी चीज से हो पाए लेकिन उनके पास वेस्ट नहीं है एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहां पर नियो को बन सकता है वेस्ट का ना होना उनके पास लुइस पीछे से अपनी गाड़ी का कवर बना रहे हैं टायर बस करके एक अच्छा कवर बना सकते हैं बिकॉज सर्कल का सेंट्रल एरिया अगर उनके पास रहेगा तो आगे की फाइट्स अच्छी हो सकती है सातवां जोन धीरे धीरे हमारे पास बनने वाला है और उसी के साथ बॉक्स गेमिंग के हाथ में मैच जा सकता है नियो के ऊपर हल्के से शॉट पड़े हैं अभी भी स्प्रे करने की कोशिश रहेगी रैंडम स्प्रे बट अब ये स्प्रे M249 की एक ऑब्लिटरेशन में बदल जाएगा लुइस को आप देख सकते हैं 79 बुलेट्स उनके पास रीलोड वापस जा रहे हैं सीकॉट को वहां पर फिनिश ऑफ किया सिनर्जी के ऑस्टिन अकेले बचे हमें पता है सिनर्जी 1v4 काफी बेहतरीन निकालते हैं लेकिन यहां पर बॉक्स का मोमेंटम रोकना मुश्किल है 19 किल बॉक्स के पास है 20वां किल उनके पास हो सकता है अगर ऑस्टिन उनको स्पॉट हो गए तो बिल्कुल बट यहां पे हमको पता है टीम सिनर्जी ने पहले भी 1v3 करा बट यहां पे लेवल अलग है स्टेक्स अलग है प्लेयर्स अलग है बिकॉज़ इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल रहे हो आपके सामने बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम्स खेल रही है ऑस्टिन बॉटेक्स के पास क्या ये एक चांस है ओपन में है कोई कवर नाम की चीज नहीं अभी भी प्लेयर ने स्पॉट नहीं कर रहा है सिनर्जी के ऑस्टिन बॉटेक्स को बट स्टिल लुइस ट्राई करेंगे उनके पास M249 है क्या वो जो मिलिट्री बेस पे जो जक्सी ने करके दिखाया था यहाँ पे ऑस्टिन वो स्प्लिट में करके दिखाना होगा बट बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे जैसे क्लासिक मैचेस हमारे चलते हैं वो एक स्प्रिंट के लिए निकले बाहर खोज के लिए निकले प्लेयर्स को हंट डाउन करने के लिए बिकॉज उनको पता है 5 प्लेयर लाइव है 4 उन्हीं के हैं और एक इकलौता प्लेयर ऐसा है जो बचा है यहाँ पे क्या रन ओवर हो सकते हैं दैट माइट बी अ सरप्राइजिंग थिंग ओवर हियर बट मैं अभी भी ट्राई कर रहे कि वो जो ओपन में शॉट्स वो मारे बट उसके चलते हमार को एक विक्ट्री मिलेगी एंड बहुत ही शानदार एक नॉक निकालते हुए बट इसी के साथ नोवा गॉड लाइक हो चुके एलिमिनेट कॉन्सेप्ट का यहां पर मॉलोट ऑफ जाता है वो टेट के ऊपर देखना पड़ेगा वो जला पाते हैं या नहीं बट ब्रागा यहां पे लेट के हुए जा रहे रेंगते हुए जा रहे सिनर्जी की पकड़ने की कोशिश करेंगे क्या स्पॉट आउट कर पाएंगे टेट यहां पे काफी ज्यादा लो है फर्स्ट एड जरूर लगा रहे बट फर्स्ट एड लगाने में सक्षम भी हो जाएंगे बट ब्रागा का किसी भी मोमेंट पर जा सकता है यहां पे स्पॉट आउट जरूर कर लिया एक नॉक निकालने की कोशिश बट टेट का यहां पे बहुत ही शानदार वापसी ट्रेड फायर देखने को मिलता हुआ बट टेट भी यहां पे नॉकआउट हो चुके ऑस्टिन के ऊपर पूरा खेमा जाता है ऑस्टिन भी यहां पे नॉकआउट हो चुके ऊपर की तरफ से प्लेयर्स का शानदार पुश देखने को मिलता है बट सिनर्जी वाइपिंग आउट किंग ऑफ गेमर्स क्लब और इसी के साथ सिनर्जी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है चिकन डिनर के काफी करीब जा चुके हैं लुक एट द सर्कल हमारे पास रिजेक्ट स्कारलेट की स्क्वाड है वेल्डर्स के प्लेयर्स सिनर्जी और
और आईएनडी यहां पर है। आईएनडी के लिए इंपॉर्टेंट गेम हो सकता है, सिनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। वायरस के गॉड आर्ट अकेले बचे हैं, आरसीएस के दो प्लेयर्स बचे हैं। ये गेम फिर से कोई इंडिया टीम अपने हाथ में लेकर आ सकती है। यूरेली के पास स्प्रेज आते हुए वहां पर ग्रेनेड आईएनडी 420 का जाता है, यूरेली को पिकअप कर चुके हैं। 420 आगे मूव कर रहे हैं, काफी बेहतरीन यहां पर मूवमेंट रह सकता है, देखते हैं वॉक कितना आगे जाती है। मीनवाइल ड्यूएलो अकेले बचे हैं, एक प्लेयर यहां पर बचे हैं, एक प्लेयर पीछे दूसरी टीम के वायरस के बचे हुए हैं। इसी के साथ जैसे यूरेली खत्म होंगे, इट इज 1-1 फ्रॉम द टीम्स ऑफ आरसीएस एंड वायरस द मर्डर्स। उनके गॉड आर्ट अकेले बचे हैं, यहां पर ड्यूएलो के लिए मुश्किल है, सीर भी कर रहे हैं, कौन इनका किल उठाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन गॉड आर्ट यहां पर स्लेयर को लेकर जाते हुए पिकऑफ उन्होंने जरूर किया है। 420 ओपी आगे जाना चाहेंगे, स्नैक्स यहां पर रिवाइवल दे रहे हैं। ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट, बट सिनर्जी के प्लेयर स्मोक करके आगे मूव करना चाहेंगे। यस, अब बिल्कुल करना चाहेंगे। और इसी के साथ जो बाकी टीम्स है, वायरस गेमिंग को छोड़ के सारे टीम्स यहां पे जुलझ रहे थे, टॉप 16 में फाइट आउट कर रहे थे। और एक अच्छा खासा यहां पे पोजीशनिंग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल सकती है इन तीनों टीम्स से। रिजेक्ट स्कारलेट भी खतरे के दायरे में थी और ये एक अच्छा प्रदर्शन शायद उनको बचा सके, बट देखना पड़ेगा। ड्यूएलो अभी भी फाइट आउट कर रहे, तीन प्लेयर्स सिनर्जी के आने वाले, दो प्लेयर्स को आगे भेजना चाहिए, एक प्लेयर को पीछे रखना चाहिए। बट इसी के साथ स्नैक पुश इन करते हुए गॉड आर्ट को फिनिश करेंगे। इसी के साथ वायरस भी मर्डर एलिमिनेट होती हुई, बट ड्यूएलो भी फिनिश हो चुके टीम आईएनडी के द्वारा। दूसरा यहां पे स्क्वाड वाइप करते हुए टीम आईएनडी फाइनल सर्कल फाइट, दो टीमें बची है, सिनर्जी वर्सेस टीम आईएनडी। क्या लगता है ओशन, हु इज गोइंग टू ब्रिंग इट होम? नाम यहाँ पे सिनर्जी का काफी ऊपर आ सकता है, बट देन आईएनडी को आगे मूवमेंट जरूर करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं सिनर्जी के तीनों प्लेयर्स अच्छी हेल्थ पे, स्लेयर पीछे डाउन हो रखे। आईएनडी नीड्स टू डू समथिंग आउट ऑफ द इंपॉसिबल बुक। 420 में एक प्लेयर को स्पॉट जो किया, टेक्स हिम डाउन, बट यहाँ पर आईएनडी 420 भी डाउन हो चुका। अब एक ही प्लेयर आईएनडी करेगा स्नैक्स यहाँ पर अपनी पार्टी निकालने के लिए, बट सिनर्जी गेट्स दैट चिकन डिनर इन वन।